तो गाइज इस कूलर को एसी को बनाने के लिए आज फिलहाल मैं इन जो कार्डबोर्ड की शीट आती है उनका यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो हम हर प्रोजेक्ट के अंदर पीवीसी शीट का यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो आज जो हम एसी बना रहे हैं इसको थोड़ा चीप बनाया जाए, मतलब काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर बनाया जाए। काफ़ी सारे दोस्त थे कि जिनको पीवीसी शीट मिल नहीं पाती या महंगी पड़ती, तो उनके लिए स्पेशल मैं आज कार्डबोर्ड का यूज़ करके आपको एसी बनाकर दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ कार्डबोर्ड की जगह पे जो अपना पीवीसी शीट आता है उसका यूज़ आराम से कर सकते हो, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। इस ये जो डायमेंशन है यही सब डायमेंशन पीवीसी शीट के भी आप ले सकते हो, आप काफ़ी आसानी से बना सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आज कार्डबोर्ड का यूज़ करके आपको बना रहा हूँ, आप बेशक जो भी आपके पास शीट हो उसका यूज करके इस एसी को बना सकते हो। तो चलो मैं आपको सबसे पहले तो इसके डायमेंशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 7 इंच बाय 6.5 इंच, इस नाप के यहाँ पे मैं 2 पीस यूज़ कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा है साइज में, इसलिए मैंने ये जो डायमेंशन है इनको इंच के अंदर लिखा है, तो आप समझ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे 7 इंच बाय 7 इंच के 4 पीस लगने वाले हैं, बस आपको इतने ही शीट यहाँ पे लगने वाली है। आप पीवीसी का या फिर किसी भी चीज़ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब इनको यहाँ पे चिपका के एक एसी के लिए एनक्लोज़र तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो एसी का कैबिनेट था वो इतना तो रेडी हो चुका है, हमने इसको पूरा एयर टाइट कर दिया है, लेकिन कहीं से ये लीक हो सकती है हवा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे चिपकाना होगा। तो यहाँ पे मैं जो नोट्स के ऊपर लगाने का टेप आता है इससे इसको पूरा कवर कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर जो इलेक्ट्रिकल टेप आता है या पीवीसी टेप उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। तो चलो इसको फटाक से पूरा एयर टाइट बना देते हैं। तो गाइस अब बारी आ जाती है इसके अंदर फ़ैन फिट करने की, कि हम इसके अंदर कौन सा वाला फ़ैन फिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके के 2 फ़ैन है, 2 मतलब काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 फ़ैन दिखा रहा हूँ। ये जो छोटा फ़ैन है वो है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो सीपीयू के अंदर यूज़ होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, और उसके साथ साथ ये जो फ़ैन है इसका भी यूज़ कर सकते हो। इनके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल फ़ैन यही है, तो फिलहाल मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये साइज में भी काफ़ी बड़ा है। उसके साथ साथ इसकी जो प्रोपेलर है मतलब ब्लेड से, ये भी काफ़ी ज़्यादा बेंड है और काफ़ी ज़्यादा एयर ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये फ़ैन यहाँ पे होता है। 18 वोल्ट का ये फ़ैन है, आप इसको 12 वोल्ट से भी चला सकते हो। तो फिलहाल मैं इसी फ़ैन का यहाँ पे इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ। तो अब ये जो फ़ैन है, आप इसकी जगह पे ये या फिर नॉर्मल जो सीपीयू फ़ैन आता है, एग्जॉस्ट फ़ैन आता है इन्वर्टर का, उसका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। तो अब इसके लिए इसका जो नाप है वो हम निकाल लेते हैं, जिससे कि हम इसके अंदर एक होल कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये 11 सेंटीमीटर के लगभग है, तो हम 5.5 सेंटीमीटर का नाप लेके यहाँ पे एक सर्किल खींच देते और उसको यहाँ पे कट कर लेते। तो गाइज यहाँ पे हमारी जो फैन की कटिंग होती, ओ हो चुकी है, निकल जा निकल। तो ये यहाँ पे हो चुकी है हमारी जो फ़ैन की कटिंग थी, इसके अंदर हमारा जो फ़ैन है एकदम परफेक्टली सही से यहाँ पे हमारा फ़ैन बैठ पा रहा है। तो अब हमें यहाँ पे एक इस तरीके जो पावर जैक है उसको भी लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का जो पावर जैक आता है उसका यूज़ यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पावर जैक के लिए भी होल कर लेता हूँ। तो अब इस साइड से हमें यहाँ पे एक स्विच लगाना होगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे फ़िलहाल फ्रंट। तो अब इसको यहाँ पे फिलहाल ऑन ऑफ करने के लिए मैं इस तरीके का जो SPST स्विच आता है उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे एक कटिंग बनानी होगी, तो चलो इसको यहाँ पे फटाक से एक कटिंग बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो स्विच है वो एकदम परफेक्टली बैठ गया है और काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे ऑन ऑफ भी हो रहा है। तो अब ये हमारी फ्रंट साइज़ है, तो यहाँ पे हमें एक जाली टाइप का लगाना पड़ेगा, कि जिसके अंदर से हमें हवा मिल सके और हवा का जो फ्लो है उसको भी हम कंट्रोल कर सकें।
तो अब यहाँ पे जाली के लिए मैं फ़िलहाल ये जो कार का आता है, आपने देखा होगा कार के अंदर जो एसी में यूज़ होता है वही है ये इस तरीके से हम अगर इसको मूव करते हैं तो इसके अंदर के जो ब्लेड्स है वो इधर उधर होते हैं, मतलब इधर करेंगे तो हवा हमें इस साइड में मिलेगी, इधर करेंगे तो हवा इस साइड में मिलेगी। इस तरीके से ये कुछ मैकेनिज़्म यहाँ पे वर्क करता है। तो ये जो पुरानी कार रहती है वो स्क्रैप के अंदर से मैं लेकर आ गया हूँ, आपको भी ये 10-15 रुपये के अंदर वहाँ पर काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर नई लगाना चाहते तो आप इस तरीके का PVC का या कार्डबोर्ड का भी मैकेनिज़्म बना सकते हो। तो चलो इसको, ये थोड़ा गंदा हो रखा है क्योंकि ये पुराना है, तो इसको थोड़ा पहले तो क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद इसके लिए हम वहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो इसका ये जो स्पंज है इसका हमें कोई काम नहीं है, तो पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से धो के एकदम क्लीन कर लेंगे नए जैसा। तो हमें इसका फिलहाल तो नाप लेना है, इसलिए मैं इसका जो स्पंज है उसको यहाँ पे निकाल लेता हूँ। चलो फिलहाल नाप लेने के लिए इतना जो भी हमारा निकला है वो ठीक है, तो अब हम इसको धो के एकदम क्लीन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम उस जो हमारा एनक्लोज़र था उसके अंदर कटिंग कर लेते हैं इसके लिए। तो इसको हम कुछ यहाँ पे सेट करेंगे, तो चलो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ मार्किंग्स लगा लेते और फिर इसको यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो गाइज़ ये एकदम अच्छे से क्लीन विन हो चुका है, इसके अंदर अब मिट्टी नहीं रही है, ये अच्छे से ऐसा लेफ्ट राइट भी हो रहा है और ऊपर नीचे भी अच्छे से हो पा रहा है। तो चलो अब इसको हम हमारा जो ये बॉक्स है मतलब जो कैबिनेट है इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। तो इसके चिपकाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऐसे जो स्लॉट्स दिए होते हैं जो कि हमारे इस बटन में दिए जाते हैं, तो ये सिंपली ऐसे लगाने के ऊपर लग जाता है और काफ़ी मजबूती के साथ बैठ जाता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे हमारा जो था ये जाली ये फिक्स हो चुका है। तो अब बारी आ जाती है यहाँ पे एक इंडिकेटर LED लगाने की, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक 5mm की LED ले ली है, आप किसी भी कलर की यहाँ पे ले सकते हो, ब्लू लो, रेड रो, यहाँ पे मैंने ग्रीन ले ली है। तो इसके साथ हमें एक रेजिस्टर भी लगाना होगा क्योंकि ये जो हम फैन लगाने वाले हैं वो एक तो 12 होल्ट से या फिर 18 होल्ट से चलेगा जिसके ऊपर ये LED फ्यूज़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमें एक 1K का जो रेजिस्टर है वो भी लगाना होगा। तो चलो इस LED को पहले यहाँ पे फिक्स कर। LED यहाँ पे जो इंडिकेटर था वो फिक्स हो चुका है, अब अंदर से मैं इसकी जो वायरिंग है ये रेजिस्टर है वो भी लगा लूँगा और उसके साथ साथ ये जो फैन है हमारा इसको यहाँ पे मैं ग्लूगन से चिपका देता हूँ और उसके बाद इसकी जो वायरिंग है वो भी कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले जो हमारा इसको भी हम फिक्स कर लें। इसको भी मैं ग्लूगन से यहाँ पे मजबूती के साथ फिक्स कर दूंगा और ये जो फैन है इसको लगा लेता हूँ और इसकी वायरिंग जो है वो पहले कर लेता हूँ, उसके बाद आपको वायरिंग एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई बड़ी वायरिंग नहीं है, सिंपली जो फैन है उसको इस ये जो सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे और बीच में ये स्विच कनेक्ट कर देंगे। तो चलो मैं इसको फटाक से कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊँ। तो यहाँ पर हमारा जो फैन था वो भी लग चुका है और सॉकेट भी लग चुका, स्विच और वायरिंग सब कुछ हो चुका है। मैं आपको एक एक अच्छे से समझा देता हूँ। ये जो फैन था उसको यहाँ दो छोटे प्लास्टिक के टुकड़े लगा के मैंने चिपका दिया है काफ़ी मजबूती के साथ, उसके साथ साथ जो स्विच था वो भी लगा दिया और ये इंडिकेटर LED भी लगा दिया। अब इसकी वायरिंग समझ लो, वायरिंग के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो हमारा स्विच का जो सॉकेट था मतलब DC जैक था उसकी जो पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो भी उसकी पॉजिटिव वाली साइड है उसको स्विच सीधा का सीधा फैन के साथ पॉजिटिव वायर के साथ अटैच कर दिया है और वही की वही वायर जो है वो इस LED के जो पॉजिटिव है रेजिस्टर वाली लेग उसके साथ भी अटैच कर दिया है और जो निगेटिव वाला वायर था उस निगेटिव वाले वायर को यहाँ पे स्विच के अंदर लगा दिया है और स्विच का जो दूसरा पोल है उसके साथ जो फैन की निगेटिव और LED की निगेटिव कनेक्ट कर दिए। बस हमने सिर्फ स्विच ये मतलब सॉकेट और फैन इनके बीच में स्विच लगा दिया है और फैन के पैरेलल में ये LED लगा दिया है, बस इतना ही हमारी यहाँ पे वायरिंग है, कोई बड़ी वायरिंग नहीं है। तो अब जो हमारा यहाँ पे ऊपर वाला ढक्कन है इसको यहाँ पे हमें ऐसा लगाना है कि निकलना भी चाहिए और लगना भी चाहिए। तो चलो इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे दो कार्डबोर्ड के पीस ले लिए, इनकी जो मोटाई है वो यही कार्डबोर्ड के साइज़ की है, तो अब आपको इन दोनों को ऐसे रखना है और उसके बाद ऐसे यहाँ पे बीचों बीच सेंटर में रख के यहाँ पे एक हल्का सा मार्क लगा लेना है।
और उसके बाद आपको उसको ऐसा का ऐसा इस साइड में भी रखना है और यहाँ पे भी एक हल्का सा मार्क लगा लेना है। तो ये यहाँ पे अच्छे से चिपक चुका है। अब लगभग हमारा पूरा काम रेडी हो चुका है, पूरा जो एसी था वो बन चुका है। इस बात के लिए वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अब इसको इसके अंदर बिठा के देखते हैं कि ये किस प्रकार लग रहा। तो ये ढक्कन की तरीके का इसके अंदर अब बैठ जा रहा है अच्छे से। तो अब हमें इसको यहाँ पे चारों ओर से थोड़ा टेप से इस तरीके से लगा के अच्छे से लुकिंग दे देते हैं। तो अब हमें इसके ऊपर का जो ढक्कन है उसको निकालने के लिए यहाँ पे एक हैंडल लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक इस तरीके का जो हैंडल है वो बना लिया। तो जो हमने फ़ैन की कटिंग की थी उसमें से ही मैंने आधा कट करके निकाल लिया है। तो चलो इसको भी यहाँ पे हम ऊपर की साइड में चिपका देते हैं। हमारा हैंडल यहाँ पे लग चुका है। तो चलो अब खोल के, अरे नहीं खुल रहा, नहीं भाई हमने इसको टेप से जो चिपका दिया चारों ओर से, कोई बात नहीं, चलो हम इसको चाकू से कट कर लेते हैं। हमको इसको चिपकाना ही था, ये टेप हमने यहाँ पे लुकिंग के लिए लगाया है जिससे कि ये अच्छा लुकिंग आ जाए। आपको तो पता ही चल गया होगा कि इसने लुकिंग को कितना ज़्यादा एनहांस कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो चलो इसको यहाँ से हम कट कर लेते था लेकिन चलो। अब हमारा ढक्कन जो है वो निकलेगा। तो अब हमारा एसी जो था वो बनके रेडी हो चुका है। तो चलो अब इसकी टेस्टिंग ले ली जाए। गाइज यहाँ पर हमारा एसी कंप्लीट हो चुका है, चलो अब इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। जाली वाली काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा है भाई, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने आइस ले लिया, तो इसके अंदर हमें आइस रखना है जिससे कि ये हमें ठंडी ठंडी हवा प्रोवाइड करेगा। और हमने पूरा बैग्स जो भी हमारा बॉक्स है कैबिनेट है उसको एयर टाइट किया है। यहाँ से फैन घूमेगा अंदर की साइड में हवा देगा और जो कि अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा इस आइस की वजह से, और वो ठंडी ठंडी हवा हमें इस जाली के माध्यम से बाहर आएगी और इसको हम इधर उधर भी मूव कर सकते हैं जाली को। तो अब ऊपर का जो ढक्कन है उसको पैक कर लेते हैं और अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम जैसे ही ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें भाई यहाँ पे बैटरी लगानी होगी। तो यहाँ पे मैं 3 बैटरीज का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये फ़ैन जो है ये 18 वोल्ट का है, तो इसके लिए अगर आप 4 बैटरीज का यूज़ करते हो तो ये काफ़ी तेज़ घूमेगा। वैसे ये इसके ऊपर भी अच्छे से चल जाएगा, लेकिन अगर 4 बैटरी का यूज़ करते हो तो ये और भी बढ़िया चलेगा। तो देखो जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ तो हमारा जो इंडिकेटर LED है वो जल रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस होने के कारण आपको ये थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो अब यहाँ से देखो, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये फ़ैन भी जैसे ही स्विच ऑन किया तो काफ़ी तेज़ी के साथ घूमना शुरू हो चुका है और काफ़ी बड़े साइज का फ़ैन यहाँ पे है। तो ये काफ़ी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा दे रहा है और काफ़ी बढ़िया हमारा फ़ैन भी घूम रहा है। तो आप तो देख ही रहे हो कितना बढ़िया से हमारा फ़ैन घूम रहा है, और अंदर अब जो भी हमने आइस रखा है उसकी वजह से जो हवा है सारी हवा ठंडी हो चुकी है और यहाँ से काफ़ी कूल अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है। और इस जाली को आप ऊपर नीचे, ये देखो इस तरीके से ऊपर भी कर सकते हो, उसी तरीके से नीचे भी कर सकते हो, और जो बीच में का है उसको आप यहाँ पे देखो, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इस तरीके से लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, मतलब आप जहाँ भी चाहो उस डिरेक्शन के अंदर इस एयर को मोड़ सकते हो। देखो कितने तेज़ी के साथ ये जो फ़ैन है ये हवा फेंक रहा है, क्योंकि ये बड़े साइज का इंडक्शन फ़ैन है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फ़ैन का यूज़ मैंने यहाँ पे किया है। और ठंडी हवा तो आइस के कारण आ रही है और आइस काफ़ी ज़्यादा देर तक इसके अंदर रह जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो कैबिनेट है वो पूरा पैक है, इसके कारण आइस जल्दी नहीं पिघलेगी। और देखो काफ़ी बढ़िया हमारा एसी ने वर्क किया है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।